अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं इस बॉटल में पेंटिंग करने वाली हूँ। ये बॉटल इससे पहले वाले वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ कि मेरा ये बॉटल लीक हो रहा है, तो इसलिए मैं बीच से इस पे कट लगाकर इसमें कुछ प्लांट लगाने का सोच रही हूँ। इसमें पेंटिंग करूँगी, देन इसमें फिर कुछ प्लांट लगाऊंगी। और ये बॉटल हम लोग पौंडीचेरी से लिए थे। पौंडीचेरी जाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु से रात का बस लिया था, तो यहाँ हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं और हमारा बस बस आने ही वाला है। अब ये सुबह हो गया है, अब हम लोग उतरने का टाइम हो गया है। हम लोग 11:50 में बस बैठे थे और अभी मॉर्निंग में हम लोग को अब उतरने का है आयरा और एजल को। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग का स्लीपर बस था जिसमें इन लोगों को बहुत जगह मिल गया था। मस्ती हो रही है इन लोग दोनों वैन की। अब हम लोग पौंडीचेरी पहुंचने ही वाले हैं। पौंडीचेरी पहुंचने में हम लोग का बस आज थोड़ा हाफ एन आवर लेट था। हाफ एन आवर हमारा बस लेट हो गया और हम लोग पौंडीचेरी जाके होटल जाकर फ्रेश होके और फिर तुरंत रॉक बीच के लिए निकलते हैं। तो आप लोगों को रॉक बीच में मिलते हैं। फ्रेंच कॉलोनी क्रॉस करके रॉक बीच आता है। हम लोग रॉक बीच पहुंच चुके हैं और ये रॉक बीच है और शादाब फोटो शूट करते हुए। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। आयरा ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की, बट एजल बहुत डर रही थी। रॉक बीच के ओपोजिट साइड ये मार्केट लगता है। इवनिंग में ये मार्केट लगता है। तो हम लोग अब ये मार्केट घूम रहे थे कि हम लोगों ने बॉटल लिया था। चलिए अब हम लोग पेंटिंग करते हैं और सबसे पहले बॉटल को ग्रीन कलर से कलर करते हैं। इसको सबसे पहले हम कलर करते हैं ग्रीन कलर से, और डार्क ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। डार्क ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप भी ऐसा कुछ पॉट को अपने सजाना चाहें तो आप इसमें कोई और कलर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डार्क ग्रीन। आप अपना फेवरेट कलर भी ले सकते हैं, बट मेरा फेवरेट कलर डार्क ग्रीन है। अब मैं इसको पूरा पेंट कर चुकी हूँ और इसको थोड़ा देर सूखने देंगे। इसको ज़्यादा सूखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी खुद ही कलर ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये सूखा सूखा सा ही हो जाता है। तो ज़्यादा आपको सूखने देने का ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास मिरर रखा हुआ था, तो आज हम लोग ट्रायंगल शेप का मिरर यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैं एक ट्रायंगल शेप का मिरर यूज़ करके बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए मैं पहले से एक पेंसिल से लाइन दे दी हूँ ताकि मेरा बॉर्डर इधर उधर ना हो। अब मैं एक एक करके ये ट्रायंगल मिरर ग्लू करूंगी। मिरर ग्लू करते वक्त आपका गम थोड़ा इधर उधर निकल जाएगा, उससे परेशान मत होइएगा। थोड़ी देर के बाद ये गम सूख जाता है। मिरर को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाऊंगी ताकि लुक एंड फील थोड़ा अच्छा हो। ये मिरर मैं
लगा चुकी हूँ। अब ब्रश से मैं इसके कुछ बॉर्डर्स बना रही हूँ पतले से। सबसे पहले एक मैं लाइन करती हूँ, सबसे पहले मैं एक वाइट कलर से लाइन करती हूँ। ग्रीन कलर पे वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा, इसलिए मैं वाइट कलर ली, और वाइट वाइट मिरर भी है इसलिए मैं वाइट कलर यूज़ करती हूँ। इस पे कोई और कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। करने के बाद थोड़ा देर इसको छोड़ देते हैं ताकि ये मिरर अपनी जगह से हिले ना और अच्छे से ग्लू हो जाए, और उसके बाद फिर मैं ये बॉर्डर बनाना शुरू करती हूँ। पूरा हो गया है, अब थोड़ा सा मैं बीच में फाइन ट्यून कर रही हूँ। थोड़ा देख रही हूँ कहीं मिसिंग तो नहीं है पॉइंट, और इस पे पॉइंट देकर इस बॉर्डर की खूबसूरती और बढ़ गई। ये मेरा बॉटल कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो डार्क ग्रीन पे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बॉटल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है।